इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बता दें, 2 अगस्त को पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मैं सीएम योगी को 3 दिन के अंदर बम से उड़ा दूंगा। इसकी जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। सीनियर अफसरों ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया, साइबर सेल और पुलिस को एक्टिव कर तेजी से जांच करने में लगाया। फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है कि किसने धमकी दी। नंबर के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें, पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप नंबर पर 2 अगस्त को एक मैसेज आया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को 3 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बता दें, इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी ने बताया कि धमकी भरा मैसेज आने पर 112 मुख्यालय के ऑपरेशन कमांड सुभाष कुमार की शिकायत पर FIR कर ली गई। आरोपी के विषय में जानकारी जुटाने के लिए व्हाट्सएप को पत्र लिखा गया है। साइबर सेल की मदद से भी उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शाम को यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर शहीद खान नामक से एक मैसेज आया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा विभाग की सभी टीमों को सूचना देने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें, लेडी डॉन नामक ट्विटर अकाउंट से इसी साल 4 फरवरी को एक ट्वीट किया गया था, जिसमें सीएम योगी पर जानलेवा हमले की धमकी दी गई थी। इसके बाद गोरखपुर के थाना कैंट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच में पता चला कि जिसने यह ट्वीट कर धमकी दी थी, वह फिरोजाबाद का रहने वाला सोनू नाम का अपराधी है, जो आगरा की जेल में बंद है। इस ट्वीट में हापुड़ पुलिस को टैग किया गया था। 21 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची को धमकी भरा पत्र मिला था। इस पत्र में साध्वी प्राची को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में सीएम योगी का भी जिक्र था। यह पत्र उर्दू में लिखा गया था। यह पत्र साध्वी प्राची की हरिपुर कला स्थित वैदिक निकेतन आश्रम में पड़ा मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।